कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए हार्दिक पटेल यहां पर अलग अलग हिस्सों में लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमेठी, रायबरेली, अब आ चुके हैं सुल्तानपुर। कैसी चल रही है तैयारी जंग जीतने की हार्दिक? ये जंग किसानों का है और नौजवानों के सम्मान का है। मैं मानता हूँ इस जंग में सत्य का विजय होगा और आने वाला ये दिन और चुनाव इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए है। तो लोगों ने काफ़ी भरोसा दाखिल किया है राहुल जी पर और कांग्रेस पार्टी पर। तो हमें लगता है कि अगली सरकार बड़े स्पष्टता के साथ कांग्रेस पार्टी की बनेगी और किसानों को और युवाओं को सम्मान देंगे। दिलचस्प ये भी है, गुजरात के लोगों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मैदान में हैं, आप यहां पर गुजरात से आकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कौन सा गुजराती भारी पड़ने वाला है इस बार? गुजराती हर एक सच्चा होता है और ईमानदार होता है, लेकिन पहली बार कई हमें दुख भी लगता है कि क्यों ऐसा गलत तरीके से वो जा रहे हैं। कल हमने देखा बनारस में एक चौकीदार जो सच में चौकीदार था उसका नामांकन भी रद्द करवा दिया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये तय किया है कि जो झूठा होगा, जो गलत बातें करेगा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो किसानों के बारे में सोचेगा नहीं, नौजवानों को गलत राय देगा, ऐसे लोगों को हमें इस बार नहीं जीता। एक और चीज़ हार्दिक, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का हाल है वो बिल्कुल गुजरात जैसा भी है, मतलब 22-24 सालों से वहाँ पर बीजेपी का शासन है, यहाँ पर भी तकरीबन उतने ही सालों से 28 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी गायब है विधानसभा से, और लोकसभा में भी बहुत अच्छा 2014 में नहीं किया था, लेकिन हमने हाल ही में विधानसभा में गुजरात में देखा था कि तस्वीर थोड़ी सी बदली। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर कांग्रेस पार्टी की बदलेगी, क्योंकि सिर्फ 2 सीटें 80 में से कांग्रेस ने 2014 में जीती? इस बार ज़्यादा जीतेंगे। और बात रही गुजरात की, तो गुजरात में इस बार हमने मजबूत विपक्ष देने का एक लोकतंत्र के देश में काम किया है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादातर सीट हम जीतने वाले हैं और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 20 के बीच निपटने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने गठबंधन पर अभी तक विश्वास किया था, इस बार विश्वास नहीं है। यहाँ की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने का काम किया है।